बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। आज हम उर्दू की दूसरी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन योर बुक्स। जी, पेज नंबर 5, ओपन पेज नंबर 5, सबक नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, नात। नात किसको कहते हैं? नात ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, एक एक हर्फ जिस पर कुरान का उतारा। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, एक एक हर्फ जिस पे कुरान का उतारा। उतारा का मतलब होता है नाजिल किया, यानी कि अल्लाह ताला ने जिसको अपना प्यारा बना के दुनिया में भेजा, जिस पे कुरान उतारा, वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी ज़ात है? वो ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, जिनको अल्लाह ताला ने अपना प्यारा, अपना महबूब बना के दुनिया पे भेजा और कुरान पाक उन पे नाजिल किया। जिसने हमारी दुनिया और दीन को संवारा, जिसने हमारी दुनिया और दीन को संवारा, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। यानी जिस शख्स ने हमारी दीन और दुनिया को दुरुस्त किया, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई, वो कौन है? वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि आपके आने से पहले दुनिया में जहालत का बहुत अंधेरा था, आपने आके दुनिया को हकीकी रोशनी से आगाह किया। जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जिसने हमें समझाया कि नेकी की राह पे चलें और बुराइयों से बच के रहें, बुराइयों से दूर रहें और सच बोलें और नेकी की दूसरों को भी तलकीन करें। नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, यानी अल्लाह ताला के नाम पे जिसने हर एक को पुकारा, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। यानी अल्लाह ताला के नाम पे अल्लाह ताला के दीन की तबलीग तमाम नबियों ने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीन को फैलाया। सबसे आखिरी जो मज़हब है दुनिया पे वो इस्लाम है और हमारे आखिरी नबी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने दीन को कम्प्लीट किया। मशक, ठीक है। ओपन पेज नंबर 6, ओपन पेज नंबर 6, ऊपर देखे लिखा हुआ है मशक। ठीक है, सबसे पहला सवाल नंबर 1, सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखे। अल्लाह ताला ने किसको दुनिया में अपना प्यारा बना के भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने क्या उतारा? हमारे प्यारे नबी ने हमें क्या सिखाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवारा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके नाम पर सबको पुकारा? ये सवाल हैं जिनके हमने जवाब लिखने हैं। तो ये आपके वर्क बुक पेज नंबर 5 पे ये सवाल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब आगे आ जाइए सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। अल्लाह के आखिरी नबी हैं कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। जी मुझे बताएं कौन है अल्लाह ताला के आखिरी नबी? अलिफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टिक करें अलिफ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आप पे कौन सी किताब नाजिल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात, कुरान मजीद, इंजील, ज़बूर। कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। बे पे टिक करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं नंबर 3 पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? नेकी की राह पे चलना, बुराइयों से बचना, सच्चाइयों में ढलना, इन सब पे चलना। तो आप सल्लम ने हमें क्या सिखाया? इन सब पे चलना। तो दाल पे टिक करें आप लोग, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामे खुदा पे पुकारा, यानी अल्लाह ताला के नाम पे आपने पुकारा किसको? मुसलमानों को, काफरों को, मक्का और मदीना वालों को, हर एक को। तो आपने टिक किस पे करना है? उन्होंने हर एक को पुकारा। ये डन हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 7 पे।
मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने पुट करना है ब्लैंक्स में और मिसरा कंप्लीट करना है। सबसे पहला वर्ड है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान सिखाया प्यारा सवारा। सबसे पहला है, फर्स्ट है, जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा। यहाँ पे क्या वर्ड राइट करना है आपने, प्यारा। एक एक हर्फ जिस पे डैश का उतारा, किसका उतारा, कुरान का उतारा, कुरान का उतारा। वो है डैश हमारा, वो है नबी हमारा। इसमें आपने क्या लिखना है, वो है नबी हमारा। आपने क्या लिखना है, नबी है हमारा, जिसने हमें डैश नेकी की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना। नंबर 5 पे है, जिसने हमारी दुनिया और दीन को सवारा, जिसने हमारी दुनिया और दीन को सवारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। सवाल नंबर 4, दूसरा मिसरा लिखें और शेर मुकम्मल करें। शेर में आपको पता है दो मिसरे होते हैं, तो एक मिसरा लिखा हुआ है, अगला हमने राइट करना है। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, आगे से क्या लिखेंगे, एक एक हर्फ जिस पे कुरान का उतारा, एक एक हर्फ जिस पर कुरान का उतारा, एक एक हर्फ जिस पर कुरान का उतारा। जिसने हमारी दुनिया और दी को संवारा, इसके नेक्स्ट मिसरा आप लिखेंगे, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। ठीक है, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। तो यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। नाम खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, नाम खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। ठीक है, डन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे, मुदर्जा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। खुदा, प्यारा, हर्फ, कुरान, नेकी, ये वो लफ्ज़ हैं जो आपकी वर्क बुक में हैं और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 8। ग्रामर, मुतजाद, किसी भी लफ्ज़ का उल्ट होता है। मुतजाद क्या होता है, किसी भी लफ्ज़ का उल्ट होता है, जैसे दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है, सच का मुतजाद झूठ होता है। दर्ज ज़ैल अल्फाज के उल्ट मुतजाद लिखिए। ठीक है, अल्फाज है सवारा, अल्फाज है सवारा, इसका मुतजाद क्या है, बिगाड़ा, इसका मुतजाद क्या है, बिगाड़ा। बुराई अच्छाई, बुराई अच्छाई, सच्चाई झूठ, सच्चाई का क्या है, झूठ। नेकी बदी। ओके स्टूडेंट, यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, उसके नीचे आ जाए अमली काम, तलबा खुश आहानी से नात सुनाए। तो स्टूडेंट्स, आपने घर से नात याद करके आनी है और असेंबली में सुनानी है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।